देखना, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इंडिया को इस नेचुरल डिजास्टर के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए था। लता जी माफ करना, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सॉरी। इस ट्रोल को सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम किस सिंगर की बात कर रहे हैं। एक शब्द को बार बार दोहरा के गाने का टैलेंट अगर किसी के पास है तो वो है टोनी कक्कड़। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपना नया गाना कांटा लगा रिलीज किया है। नेहा कक्कड़ के इस गाने में हनी सिंह और टोनी कक्कड़ ने मिलकर गाया है। इस गाने में नेहा के साथ उनके भाई टोनी कक्कड़ और मशहूर रैपर हनी सिंह भी नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग को देसी म्यूजिक फैक्ट्री नाम के यूट्यूब चैनल ने रिलीज किया है। कांटा लगा गाना अब तक 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका है। दरअसल नेहा कक्कड़ ने 8 सितंबर को कांटा लगा रिलीज होने के बाद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जो इस गाने की छोटी सी क्लिप है, जिसमें वो अपने इस नए गाने की धुन पर थिरकती हुई नजर आई है। नेहा कक्कड़ के इस वीडियो को देखकर उनके फैंस का दिमाग खराब हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं क्यों, तो जाहिर सी बात है टोनी कक्कड़ की लिखी हुई ये लिरिक्स लोगों को बहुत बेकार लग रही है। सोशल मीडिया पे नेहा कक्कड़ की इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है। वहीं जब नेहा के लविंग हस्बैंड रोहन प्रीत ने नेहा की इस पोस्ट पर कमेंट करा तो लोगों ने उन्हें भी ट्रॉल कर दिया। रोहन प्रीत ने नेहा के इस पोस्ट पर तारीफ करते हुए लिखा है, हे देवी आप और आपकी आवाज। जहां एक तरफ लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स ने इसे ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको ये तो पता ही है कि टोनी कक्कड़ और ट्रोलर्स का रिलेशन काफी पुराना है। उनके गानों पर काफी मीम्स और जोक्स बनते रहते हैं, तो लोगों ने अब तक इस गाने पर सिंगर्स को साथ में ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। इस गाने में दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का भी नाम लिया है, जिस वजह से फैंस और भी ज्यादा भड़क गए हैं। एक यूजर ने तो गाने में टोनी कक्कड़ ने कितनी बार उई माँ कहा ये तक की काउंट कर लिया, तो किसी ने लिखा कि टोनी कक्कड़ एक ही शब्द के साथ गाना बना सकता है। किसी ने कमेंट में लिखा, हनी की मम्मी सोच रही होगी ये दोनों भाई बहन मिलकर मेरे हनी को बिगाड़ रहे हैं, तो किसी यूजर ने लिखा कि टोनी कक्कड़ ने मीम्स बनाने के लिए नया कंटेंट दे दिया है। वहीं ट्विटर पर भी लोगों ने इस गाने को ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने तो सोशल मीडिया पर गाने की धज्जियां उड़ा दी है। किसी ने लिखा कि मेरे कानों से खून आ गया कांटा लगा सुन के, तो किसी ने हनी सिंह को ट्रॉल करते हुए लिखा कि अब पता लगा हनी सिंह की वाइफ ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज क्यों लगाया, जब वो कक्कड़ फैमिली के साथ कोलैब कर रहे हैं तो यही होना था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस गाने में यूजर्स ने सभी सिंगर्स की क्लास अच्छे से लगा दी है। लोगों ने नेहा और टोनी के इस नए सॉन्ग को पूरी तरह से नकार दिया है। आपको बता दें कि पहले देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने इस गाने का टीजर रिलीज किया था, जिससे इसे सुनने और देखने वालों के बीच काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा था। भले ही टोनी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होते हैं, लेकिन पार्टियों में इनका ट्रैक लगातार दोहराया जाता है। अपने इस नए गाने को लेकर नेहा कक्कड़ का कहना है कि मैं पहले भी टोनी और यो यो हनी सिंह के साथ गाना गा चुकी हूँ, एक बार फिर कांटा लगा के लिए एक साथ काम करना बहुत ही मजेदार रहा। इन दो कलाकारों के साथ काम करना अपने में ही पार्टी के समान था। वहीं टोनी कक्कड़ ने कहा कि कांटा लगा रिलीज कर हमें बहुत खुशी हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये गाना ऑडियंस को उनके अच्छे समय की याद दिलाएगा। वहीं यो यो हनी सिंह का कहना है कि ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि ये गाना आज रिलीज हो गया है, पार्टी जारी रहे। टोनी कक्कड़ पहले भी अपने गाने की वजह से ट्रॉल हो चुके हैं, लेकिन इस बार उनके साथ नेहा कक्कड़ और हनी सिंह भी ट्रॉलर्स के निशाने पर आ गए हैं। तो फिर आपको टोनी, नेहा और हनी सिंह का ये गाना कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।